हेलो गाइस, वेलकम टू रिडिशन प्लस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और ओएमआर फिलिंग स्ट्रैटेजी। मैं दोनों को ही बहुत शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि आपके टाइम बहुत कम है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग ये जस्ट जान लो। पेपर अटेम्प्टिंग आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, आपको पता है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स करना है। अब बात ये आती है कि करना तो ठीक है, अपने को ही सारा क्वेश्चन करना है, लेकिन टाइम किस हिसाब से बांटना है वो हमको जानना है। मेरे को देखो, बेसिकली क्या होता है ना, हमको टाइम के लिए पता नहीं रहता है। कोई 35 मिनट में भर लेंगे, कोई 30 मिनट में भर लेंगे, लेकिन अपने स्पीड के हिसाब से हम जज कर पाएंगे ना। अपने को एक ऑप्टिमम टाइम होता है ना कि इतना मिनट तो लगेगा ही। एक जनरल बच्चे को, एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी इधर हाई लेवल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी एवरेज बच्चे को ऑलमोस्ट 40 मिनट तो कम से कम आप पकड़ लो लगेंगे बायोलॉजी के फिल करने में। अगर उस बच्चे को आंसर याद है जल्दी जल्दी, तो उसको 40 मिनट बायोलॉजी के लगेंगे। अब आता है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में कितना दे सकता है कोई बच्चा? केमिस्ट्री में आप 45 क्वेश्चन हैं, 45 के लिए आप 60 मिनट भी इन्वेस्ट करोगे ना, काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो गया। 80 मिनट जो बचे हैं उसमें फिजिक्स में, चलो मैं मानता हूँ 10 मिनट आपका टाइम पास कर दिया कोई, 5 मिनट वो आते हैं ना वो अटेंडेंस लेने, वो कैमरा में फ़ोटो लेने, 10 मिनट में पकड़ लिया कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे 10 मिनट, 70 मिनट फिजिक्स के लिए बचा, तो आराम से आपका टाइम निकल गया। अब बारी आती है कि करना कैसे। यार बोलना कैमरा के इस पार रह के बोलना आसान है, बट मैं जानता हूँ करना मुश्किल है। और लास्ट टाइम में देखो नीट में होते हैं टॉपर कितने होंगे, 1000-2000 रैंक वाले तक, उसके बाद तो पीछे जो एवरेज स्टूडेंट्स है ना, हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कि आप 40 मिनट में बायोलॉजी ख़त्म करो। अब आता है बायोलॉजी के लिए बात करना कि आप बायोलॉजी ख़त्म कैसे करो, वो जानना इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में जो सिली मिस्टेक आती है ना, उसको अवॉइड कैसे करें। सपोज ये एक क्वेश्चन पेपर है, मैं एक क्वेश्चन पेपर को जज कर, एक क्वेश्चन आया द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट डैश ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन है 20 बिलियन ईयर, 4.5 बिलियन ईयर, नंबर एक और है 4 बिलियन ईयर, और एक है 4000 ईयर। तो अब आपको जानना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप हिट कर सकते हो, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट डैश ईयर्स ओल्ड। ओके, अब क्या होता है बच्चे में कन्फ्यूजन कहाँ आएगा, बच्चा या तो 20 बिलियन पे जाएगा या 4.5 बिलियन पे। क्यों ऐसा जाएगा वो अभी हम बता देते हैं। देखो 4.5 बिलियन भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। किस लिए लिखा है वो? वो लिखा है अर्थ का फॉर्मेशन, कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो आया था, लेकिन यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये क्या, देखो अब कन्फ्यूजन यहीं क्रिएट होगा ना, कोई 4 बिलियन भी मार सकता है। क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर वो एक बार क्वेश्चन रीड किया द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट डैश ईयर ओल्ड, उसके माइंड में सबसे पहले क्लिक करेगा कि 4.5, क्योंकि अर्थ आया था 4.5, और जहाँ पे कोचिंग में लिखा रहता है अर्थ अर्थ अर्थ, क्योंकि मैं ये टेस्ट लिया था अपने भाई और बहन लोग को, उन लोगों के साथ लिया था, छोटे स्टूडेंट के साथ, उन लोगों ने 4.5 बिलियन कुछ ने हिट किया, कुछ 20 भी किए थे। तो यही डिफरेंस आ जाती है कि आपको कैसे करना है। आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन दो बार रीड कर रहे हैं, यार कितना टाइम लगेगा। द यूनिवर्स इज डैश ईयर ओल्ड, ओके ऑप्शन, द यूनिवर्स इज डैश ईयर ओल्ड, तो यूनिवर्स बोला है मेरे को, क्या बोला यूनिवर्स, तो मेरे को याद रखना पड़ेगा ओह वो तो उसके लिए बोला था, यूनिवर्स के लिए अलग होगा। वैसे ही आपको हर क्वेश्चन को दो बार खाली रीड करना है। एक देखो एक बार रीड करने में मुश्किल से 10 सेकंड भी गया होगा, दूसरा बार उससे भी कम जाएगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिव्यू आपको करना चाहिए बायोलॉजी में। लाइक बोलेगा कितने इसमें से क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हम करते हैं ना क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस वन, हम क्या करते हैं करेक्ट पूछा हम गलती से इनकरेक्ट वाला सोच के, या इनकरेक्ट पूछा हम करेक्ट मार के आ जाते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते करेक्ट, मेरे को लगता है शायद करेक्ट पूछा, यही गलती हो जाता है। क्यों? हम हड़बड़ी में तो रहते हैं, एग्जाम में स्ट्रेस हाई रहता है भाई, एड्रेनलिन एकदम पीक पे रहता है, उसी में हमसे कुछ गलती हो सकती है ना। तो इसी कारण से सिली मिस्टेक को हम अवॉइड कर सकते हैं। एकदम इजी तरीका है, दो बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन देख लो और टिक कर दो, उसके बाद कोई रिव्यू का झमेला नहीं है यार, दो बार क्वेश्चन पढ़ने बोल रहा हूँ। अब आता है, ये तो हो गया बायोलॉजी के बारे में, 40 मिनट में हो जाएगा आराम से ओएमआर फिल कर रहे हैं सब। ओएमआर की स्ट्रैटेजी भी मैं बता रहा हूँ अभी। सपोज ये मेरा नीट का पेपर है, सपोज आया फोकस हुआ क्या, हाँ सपोज ये नीट का एक पेज है क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है, एक पेज में कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे। आप पहले 10 क्वेश्चन को यहाँ देखा, टिक लगा लिया 10 क्वेश्चन को रिव्यू करने के साथ, बायोलॉजी का मैं बता रहा हूँ, लगा लिया 10 क्वेश्चन। अब उस 10 क्वेश्चन को बगल में ओएमआर में भर लो 10 को, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा एक करोगे उसके बाद भरोगे, टाइम वेस्ट, एक इधर फिर इधर, नहीं, अपना नेगेटिव भी नहीं होगा कि आप गलती से मिसप्लेस भी नहीं कर पाओगे और आराम से भर पाओगे।
लाइक एक 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन फिल कर ली, जिससे आपको लास्ट में बर्डन नहीं लगे चाप की 10-15 मिनट बाकी है, मेरे 180 क्वेश्चन फिल होंगे या नहीं होंगे, वो मिस्टेक मत करना। वो सबसे ज्यादा दुख हो जाता है कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया बट मैं OMR में एक दो में गोला लगाना भूल गया, ऐसा भी हो सकता है, या मिस्टेक कर दिया, एक दो नंबर का जो खेल है यार, मैं अगर 177 के मतलब 188 में मार दिया तो मेरा गेम खत्म ना लास्ट के क्वेश्चंस का। इसीलिए 10 क्वेश्चन करोगे ना तो 10 एटलीस्ट तुम सटीक जगह लगा पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए जानना। इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ उस चीज़ पे, 10 करो 10 को भरो, 1 करो 1 को भरो नहीं बोल रहा हूँ, उसमें और टाइम वेस्ट होगा, मैं जानता हूँ टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो 10 करो 10 भरो, एकदम बढ़िया फॉर्मूला है यार। अब आता है केमिस्ट्री की बारी, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इनऑर्गेनिक याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, बायोलॉजी में भी यही होता है, लेकिन बायोलॉजी में जो सिली मिस्टेक है ना यार, ये सिली मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है यार, इस सिली मिस्टेक से बचो, ये सिली मिस्टेक से बच जाओगे ना आराम से हो जाएगा। मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि यार भैया सिली मिस्टेक होता है, सौरभ सिली मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक नहीं होगा, उसका अवॉइड ईजी करो यार, 2 बार क्वेश्चन, तुम वही क्वेश्चन को घर में आके सही करोगे, बोले इश आंसर तो ये होता, ये नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना है, इतना मेहनत करके जाओ कि एग्जाम देने के बाद तुम निकल के बोलो कि हाँ मैंने मेहनत की, मैंने बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट किया, ये नहीं होना चाहिए कि तुमको लगे कि यार मेरे को तो आता था मैं क्यों हड़बड़ी करने लगा, ये लगी, ये नहीं होना चाहिए। फिजिक्स के लिए मैं बता चुका हूँ टाइम वेस्ट नहीं होगा, एकदम यूज करना उस चीज़ को। मान लो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, पहला क्वेश्चन उठाया, वही 10 वाला फंडा है इसमें भी, पहला क्वेश्चन उठाया, सपोज मेरे से बन गया ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठाया नहीं बना, पहला बार रीड करके मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे दिमाग के ऊपर से चल गया, नहीं बना मेरे से, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को एक और बार ठंडा दिमाग से रीड, एक बार रीड किया, चलो मैं देखूंगा कि बनेगा या नहीं बनेगा, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख के, बना या नहीं बनेगा, मैं ट्राई किया नहीं बना, सपोज क्या करना है अब आपको, अपने आप को थोड़ा पीछे लेना है, खींचना है यार उसको, क्वेश्चन को छोड़ देना, आग बंद करके नीचे जाना है मेरे को, नीचे का क्वेश्चन करना, 2 बार रीड करने का नहीं बनेना है, उस पर अभी बहस मत करने लग जाना, एकदम बहस मत करना उस क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन आपको हरा के निकल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप हारो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप हारो, ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जीत के आओ। तो एकदम ईजी है, 2 बार पढ़ो, नहीं बना नीचे, ऐसे करके तुम 45 को एक बार देख तो पाओगे, उनका होता है ना कि क्या, उनके मुंह दिखाई तो कर पाओगे यार, उनको अगर देख लिया कि तुमको मान लो 2-3 नहीं आ रहे थे, तुम चौथा नहीं किए, फिर बोले नहीं नेक्स्ट पेज, तो ये गलती हो जाएगी, शायद तुमको चौथा आता, या फिर तुम ऐसे एक एक में ईगो ईगो क्लैश करने के कारण तुम 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, 5 किए नहीं और 5 में तुमसे 3 बन जाता तो 12 मार्क्स तुम्हारे चल गए भीतर। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना यार, एकदम फ्रैंक बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को अपना के देखना, एक दो मॉक टेस्ट तो दोगे ना, अभी टाइम है, अपना के देखना, अगर फ्रूटफुल रहा तो आके लाइक करके जाना और कमेंट जरूर करना, या कमेंट नहीं भी करो तो चलेगा, तुम्हारा टाइम अभी वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, लाइक करने में 1 भी मिनट नहीं लगेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। OMR की स्ट्रैटेजी मैं बता दिया हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन भी बायोलॉजी के पोस्ट करूँगा डेली बेसिस पे, सोच रहा हूँ। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।